ये व्यक्ति गरीब परिवार से कैसे बना करोड़ों की संपत्ति का मालिक। वैसे तो आपने अक्सर यही सुना होगा कि पैसे से ही पैसा बनता है, लेकिन हर धनवान व्यक्ति शुरू से ही धनी हो ऐसा जरूरी नहीं। विश्व में कई ऐसे उदाहरण हैं जो पहले गरीबी रेखा से भी नीचे थे, लेकिन आज उनकी गिनती दुनिया के करोड़ों लोगों में की जाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो पहले बहुत गरीब थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने की चाह के दम पर आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर कुमार बहुलियान आज दुनिया के जाने माने न्यूरो सर्जन हैं। उनके पास अपनी रोल्स रॉयस और अपना निजी प्लेन है। आज वह जो चाहे वे खरीद सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके पास पीने को साफ पानी भी नहीं था। कुमार बहुलियान ने बचपन में बहुत गरीबी देखी है। उनके गांव में न बिजली थी और न शौचालय, साफ पानी का भी बंदोबस्त नहीं था। कुमार ने गंदा पानी पीने की वजह से अपने भाई बहनों को अपने सामने खोया है। वह खुद भी कई दिनों तक टाइफाइड के चलते बीमार रहे हैं। 1930 में विज्ञान ने न इतनी तरक्की की थी और न छोटे शहरों तक डॉक्टर्स पहुँचे थे। 82 साल की उम्र में भी कर रहे हैं काम। बताया जा रहा है कि कुमार के परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे वे उनका दाखिला स्कूल में करा सकें। तब उनके पिता ने एक हेडमास्टर से बात करके उन्हें स्कूल में फ्री में दाखिल कराया। स्कूल के बाद कॉलेज उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज की मदद से किया। कुमार एक मेधावी छात्र थे। दरअसल सरकारी मदद से उन्होंने स्कॉटलैंड में न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई की, लेकिन वहां से जब वो इंडिया लौटे तो यहां न्यूरो सर्जरी की कोई जॉब नहीं थी। तब कुमार प्रैक्टिस के लिए बफेलो अमेरिका चले गए। आज वह बफेलो विश्वविद्यालय में न्यूरो सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने अपने गांव में अस्पताल और सेहत से जुड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए कई करोड़ों का दान भी दिया। आज वह आधे समय अमेरिका में रहते हैं और आधे वक्त इंडिया में। 82 साल की उम्र में भी वे गांव में हो रहे सारे काम खुद देखते हैं।